अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम हमारी एक एग्जांपल रहती थी पीछे स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड, एग्जांपल 2.3 जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है कोड में, ये आज भी हुई है। अ साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, ये हाफ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक एक साइक्लिस्ट ने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इसका जो है वो 318, यानी कि ये अगर इसका सेंटर है तो रेडियस जो है वो 318 मीटर है। इन 1.5 मिनट्स फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। तो डेटा को अगर हम देखें इसकी, तो रेडियस उसमें हमें जो दी है आर वो 318 मीटर है, जबकि टाइम जो उसने हमें दी है वो स्मॉल टी है 1.5 मिनट, जबकि टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, तो हम 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 सेकंड। तो वो कहता है इसकी स्पीड मालूम करें और इसकी वेलोसिटी मालूम, वेलोसिटी स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, स्पीड का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, जबकि वेलोसिटी का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ना हमारे पास गिवन है इधर डिस्टेंस, ना हमारे पास इधर है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसने हिंट दिया हुआ है ये फिगर जो आपने बनानी है कि साइक्लिस्ट ने हाफ राउंड ट्रैक किया है, सर्कुलर ट्रैक हाफ राउंड किया है, तो जो डिस्टेंस इसमें होगा हाफ राउंड है, तो डिस्टेंस जो है वो आएगा पाई आर। अगर फुल सर्कल करता है तो 2πr, तो चूंकि हाफ सर्कल हुआ है तो पाई आर, पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस इसमें हमें कितना दिया हुआ है 318, तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 318, तो ये आ गया 999 मीटर, ये इसका डिस्टेंस आ गया। ये तो हो गया से लेकर यहां तक हाफ राउंड। अब आ गया डिस्प्लेसमेंट, भी हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर ये देखें, ये दो पॉइंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक एक रेडियस है और एक रेडियस ही है, वन रेडियस ही है, वन ये, तो ये कितना रेडियस हो गया 2r, तो फिर डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी होगी वो है 2r, 2 रेडियस हमारे पास कितना है जी 318, मेरा ख्याल बनता है हाँ जी मीटर। लेकिन जो फॉर्मूला हमने लगाना था उसकी रिक्वायरमेंट हमने पूरी की है। स्पीड के लिए हमें चाहिए था डिस्टेंस, टाइम तो हमारे पास है, वेलोसिटी के लिए चाहिए था हमें डिस्प्लेसमेंट, हमने पहले डिस्टेंस निकाली, यहां से यहां तक हाफ राउंड है पाई आर लगेगा, फुल राउंड होता है 2πr, डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो एक रेडियस ये है, एक ये 2r, मुकम्मल रेडी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये दो चीजें हमने निकाल दी। अब हम ये स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है जी 999 और टाइम हमारे पास 90 है, तो इसे हम डिवाइड कर दें डिवाइडेड बाय 90, तो 11.1 मीटर पर सेकंड जो इसका यूनिट है वो आ जाएगा स्पीड। इसी तरह हम वेलोसिटी जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी वी, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है थी इसमें जो हमने निकाले थी वो 636 था, टाइम हमारे पास 90 है, 638 डिवाइडेड बाय 90, 636 है
मैंने ये लिखा हुआ यहाँ पे 636 है डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ गया 7.06 मीटर पर सेकंड। ये जो न्यूमेरिकल था ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड में आया भी हुआ है, इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करनी है और स्टूडेंट जेन में रखें। स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड जो था वो हमने एग्जांपल कर ली, इसमें मैं एक एग्जांपल छोड़ रहा हूँ, एग्जांपल 2.2 ये आपने खुद कर ली है, ये स्पीड की एग्जांपल है, ये बड़ी आसान है, आप देखेंगे हो जाएगी। 2.2 हो गई, 2.3 हो गई, इसी तरह 2.4 भी मैंने कर दी, 2.5 एग्जांपल भी मैंने कर दी, वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, जैसे वो हम करेंगे तो उससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज और एग्जांपल में जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स की वो हम साथ साथ क्लियर करेंगे। थैंक यू।